अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके गर्दन है ना, अगर काले पड़ गए हैं और आपके चेहरे के टोन से गले का टोन नहीं मिलता है और बहुत ही ज़्यादा आपका गर्दन काला पड़ गया है, तो आज मैं आपसे बहुत ही अच्छा रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे आपके जो गर्दन के काले दाग धब्बे है और आपका स्किन जो है वो एकदम ब्लैक पड़ गया है। तो आज जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त वाला इंग्रेडिएंट है जिससे आपके जो भी गर्दन के काले दाग धब्बे होंगे और काले निशान पड़ जाते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएंगे। ये जो गर्दन पे हमारे जो काले दाग धब्बे पड़ते हैं, एक तो ये हमारे उसके क्लीनिंग के ऊपर भी जाता है, दूसरा हमारे वज़न बढ़ने में भी हमारा जो गर्दन है वो काला पड़ जाता है। तो अगर आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप उसे कम करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपका वज़न नॉर्मल है और आप उसे मेंटेन नहीं करते हैं या सन टैन की वजह से आपका गर्दन जो है काला पड़ गया है, तो जो मैं रेमेडी आज आपको बताने वाली हूँ अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो स्किन का टोन है आपके चेहरे से मतलब मिलने लगेगा, क्योंकि ये जो इतना स्किन अलग लगेगा और गले का स्किन अलग लगता है ना, मतलब जो कलर होता है वो बहुत ही अजीब सा लगता है कि हमारा स्किन जो है वो अच्छा लगने लगता है फेस का और गला जो है वो पूरा काला लगता है। तो इसीलिए हमें अपने गर्दन को भी अच्छे से मतलब हमारे चेहरे के साथ में ये गर्दन का टोन भी मिलना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस रेमेडी को हमें क्या क्या मतलब इस रेमेडी में हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे हमारा स्किन का जो टोन है वो इवन लगने लगे। तो कुछ नहीं, बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा दही लेना है और उसके अंदर आपने कॉफ़ी पाउडर मिक्स करना है, और जो नींबू नींबू जो हम इस्तेमाल करके उसका जो छिलका फेंक देते हैं तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जो नींबू के रस में जितना विटामिन सी नहीं होता है, नींबू के छिलके में बहुत सारा विटामिन सी का जो पावर होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो आप लोग नींबू का जो छिलका है उसे भी ऐड कर लीजिए। तो इन तीनों को आपने एक मिक्सी जार में डालकर इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, आप जैसे इसे मिक्स कर लेंगे मतलब पूरा पीस लेंगे, पीसने के बाद में आप इसको मतलब ये लिक्विड में जैसा लिक्विड जैसा हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने दही मिलाया है तो ये लिक्विड जैसा होता है, हमें अप्लाई करने में मतलब नहीं होगा कि वो पूरा गिरता रहेगा, पानी के जैसा है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन, बेसन इतना मिलाना है कि एक थिक सा एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए जिसे अप्लाई करने में आसानी हो। तो इन सभी को मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए ताकि हम इसे इजीली अपने गले पे लगा सकें। तो जब भी आप इस मास्क को लगाएंगे, जब जब आप बॉडी बाथ लेते हैं तब तब आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बहुत सारे दाग हो गए हैं और बहुत सारे टैन हो गया है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और जो भी हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड किया है वो सभी वाइटनिंग एजेंट है जिससे आपके जो दाग धब्बे हैं वो बहुत ही अच्छे से रिड्यूस हो जाता है। तो अभी आप कभी भी नींबू का छिलका फेंकिएगा मत, इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। नींबू के छिलके में बहुत अच्छे से विटामिन सी होता है जिसे आपके स्किन की जो भी टैनिंग है उसे वो बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करता है। तो इसे 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसे वॉश करने के बाद में मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। आज का रेमेडी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।